और आप ये समझ सकते हैं वे सब हमारे पीछे पड़े क्यों। पहले तो उन्होंने ये कहा कि भगवान की कथा को इतनी गहराई से कहो, इतनी गहराई से कहो कि लोगों की समझ में आ जाए, लोगों की समझ में आ जाए। अब मैंने कथा को जब गहराई से कहा, लोगों की समझ में आ गया। जब लोगों की समझ में आया तो यहाँ तक आपत्ति आई। अब देखिए बहुत बड़ी बात ये होती है, पहले आदमी कहता है कि हम आपको देखना चाहते हैं, और जब कुछ समझ में आ जाए तो कभी कभी भाषा बदल जाती है, बोले हम तुम्हें देख लेंगे। अब मेरे ऊपर जो आपत्ति आई है, आपत्ति खैर नहीं कहेंगे, हम उसे डरते नहीं है कभी, क्योंकि मैं शाक्यवंशी भगवान गौतम बुद्ध का, जिन्होंने पूरे संसार में एशिया ऑफ लाइट भी कहे गए हैं, मैं उसी वंश में जन्मा हूं। लोगों ने आज मुझे एक आपत्ति के कटघरे में खड़ा कर दिया, केवल छोटी सी बात पे। कहो तो मैं बताऊं छोटी सी बात क्या है। केवल छोटी सी बात यह है कि मैंने राम कथा को थोड़ी गहराई से सुना था। लोगों ने कहा राम कथा सुनाइए, मैंने कहा ठीक है मैं गहराई से सुना देता हूं। अब भगवान राम के चरित्र का एक छोटा सा वर्णन मैंने कर दिया, वो वर्णन पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैलने के आसार में लग रहा है, अभी तो भारत में ही हंगामा मचा है। केवल बात इतनी सी है कि भगवान श्री राम इनके जन्म के विषय में थोड़ी सी बात मैंने कह दी। किसी व्यक्ति ने यह कहा कि महाराज जन्म पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। अब वो प्रकाश क्या था कि रावण की महाराज दशरथ से एक बार आपस में मुलाकात हो गई। रावण को यह पता चला कि दशरथ के अंश से जो बच्चा पैदा होगा वो मुझे मार डालेगा। भैया गौर से सुनने की बात है, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, और इसीलिए हमारे पीछे पूरा देश पड़ा हुआ। जब भगवान राम के पिता दशरथ से रावण की मुलाकात हुई, और रावण ने देखा कि दशरथ के अंश से मेरा काल पैदा होने वाला, तो रावण ने क्या किया, दशरथ को नपुंसक बना दिया। अब दशरथ नपुंसक हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि अब रावण को मारने वाला कोई नहीं रहा, यही हुआ ना, क्योंकि रावण के अंश दशरथ के अंश से अब कोई पैदा होगा ही नहीं। लेकिन मैंने छोटी सी बात ये कह दी, महाराज ये बताइए जब रावण ने अपने काल को खत्म कर दिया क्योंकि दशरथ को नपुंसक कर दिया, फिर हमें ये बताइए खीर से पैदा होने वाले राम ने रावण को कैसे मार डाला। मौत तो दशरथ के अंश से पैदा होने वाले से थी, और ये राम तो खीर से पैदा हुए हैं, जबकि रामायण में तुलसीदास चौपाई में साफ साफ लिखते हैं, एक बात लिख रहे हैं तुलसीदास, मैं कुछ अपने पास से नहीं कह रहा हूं। कि हंसी बोले रघुवंश कुमार, तुलसीदास लिख रहे हैं, लोग अंगुली मेरे ऊपर उठा रहे हैं। हंसी बोले रघुवंश कुमार, विधि कर लिखी को मैं स्वामी तुलसीदास रामायण के अंदर साफ साफ लिख रहे हैं, और भगवान राम कह रहे हैं हंस बोलू रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखी को मैं तनहारा। राम स्वयं कह रहे हैं कि विधाता की लिखी कोई मेट नहीं सकता, तो मैंने क्या गलत कह दिया। जब विधाता ने लिखा था कि दशरथ के अंश से राम पैदा होगा वो मुझे मारेगा, लेकिन खीर से पैदा होने वाले ने कैसे मार डाला। अब भैया मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या, मैं केवल रामायण पे सवाल, लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोले तुमने राम को ये क्या बोल दिया, ये तो रामायण भी नहीं कह रही है। मैंने कहा कि राम एक रामायण के काल्पनिक पात्र हैं। क्यों? क्योंकि राम का जन्म 800,000 वर्ष पहले हुआ, 800,000 वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन रामायण को लिखे हुए केवल 450 साल हुए।
आप बताइए 8 लाख वर्ष पुरानी पास्ट काल की घटना को और 450 साल पहले लिखा जा रहा है, कितना सच हो सकता है? वो भी एक बात मैंने और कह दी, पाषाण काल युग 12,000 वर्ष पहले था विज्ञान के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से, और 12,000 वर्ष पहले आदमी कपड़े लत्ते पहनना जानता नहीं था। 12,000 वर्ष पहले मनुष्य पेड़ पौधों पर रहता था, पत्थरों से शिकार करता था। मैंने क्या गलत कह दिया कि भगवान श्री राम के पास ये सुंदर सुंदर आभूषण कहां से आ गए? मैंने क्या गलत कह दिया? लेकिन लोग हमारे पीछे पड़ गए, बोले तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है, हम तुम्हें जेल के अंदर भिजवा के रखेंगे, जिनको भी शक हो वो यूट्यूब पे देख सकता है। एक से एक बड़े बड़े प्रकांड पंडित हमारे पीछे पड़े हैं, जो कोई कहता कि मैं अयोध्या का मठाधीश हूं, कोई कहता है मैं मथुरा का मठाधीश हूं। अब बताइए हम जाएं तो कहां जाएं? सच कहने से इतनी बड़ी आपत्ति, अगर मैं झूठ बोलता तो आपत्ति आनी चाहिए। मैंने कहा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं इसमें शक नहीं करता, लेकिन आप बताइए किसी बेईमान आदमी को मर्यादा पुरुषोत्तम कह दो तो क्या ये अच्छी बात है? लोगों ने कहा कि बेईमान कैसे थे। मैंने कहा एक बात बताइए, भगवान श्री राम जब गंगा को पार कर रहे थे, केवट ने कहा, केवट से सीता मैया ने क्या किया, एक मुंदरी को उतार के दिया, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी और सी पिय ही की जान नहारी। सीता ने मुंदरी को उतार के दिया और केवट बोला मुझे अभी नहीं, मत दीजिए, अभी मुझे नहीं चाहिए। फिर की बार नाथ जो देवा सो प्रसाद सिर धर में लेबा। केवट कह रहा है अभी तो तुम जा रहे हो, जब लौट के आओगे तो जो भी दोगे हम ले लेंगे। अब महाराज फिर सोचिए मैंने क्या गलत कह दिया। मैंने केवल इतना कह दिया कि आज तक राम ने केवट की उतराई नहीं दी, उस बेईमान आदमी को मैं कैसे कह दूं मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भगवान नहीं है, लेकिन लोग मेरे पीछे पड़ गए, बोले हम तुम्हें जेल के अंदर पहुंचा कर छोड़ेंगे। मैंने कहा जाओ तुम्हें भी चैलेंज करता हूं, तुमने सलाखों की मुझे धमकी दी है, मैं सनातन धर्म में रहकर सच नहीं बोल सकता, तो ऐसे सनातन धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं, मैं झूठ बोलने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी की कम से कम 30 साल खराब कर दिए केवल झूठ बोलने। मैंने 15 साल भागवत करते करते झूठ बोलते बोलते राम खीर से पैदा हो गए, हनुमान जी अंजनी के कान से पैदा हो गए, मकरध्वज मछली से पैदा हो गए, पांचों पांडव देवताओं से पैदा हो गए, खैर परशुराम भी खीर से पैदा हो गए। इतना झूठ बोलते बोलते पर स्वामी आधार चैतन्य जी क्या कह रहे हैं सुनाए। स्वामी आधार चैतन्य जी कह रहे हैं एक तालाब के अंदर लड़कियां नहा रही थी और वहां पर नहाते समय उन्होंने भगवान कन्हैया का ध्यान किया, भगवान कन्हैया पीछे से आ गए, लड़कियां नंगी नहा रही थी और भगवान कन्हैया पीछे से आकर के उनके निवस्त्र बदन को मलने लगे, मालिश करने लगे, लेकिन उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उन्होंने इतना कुछ बोल दिया कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो लोग पीछे पड़ गए। अब समझ में नहीं आता है हम करें तो क्या करें। इस संसार में रहने में एक ही जगह पर 4 अत्याचारी हैं और सजाए को मिल रही है। चंदन दीवाना कहता है क्या फर्क है हम मां तुम मां, तुम्हारे 3 बाप एक अम्मा और हमारे 1 बाप 3 अम्मा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सुबोध साक्षी कहता है कि मैं आज मैं गाँव से ना डरूंगो, तेरी चोली में रंग भरूंगो, किन किन पे डरवाए के आई और तो को देख राधा और तबीयत मेरी आई। बाप कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन है तो केवल मनोज ब्लास्टर पे, ऑब्जेक्शन है तो केवल मेरे ऊपर है कि तुमने कैसे बोल दिया। जाइए मैं चैलेंज करता हूं, जो भी जो कुछ भी कर पाए। मैं कभी गलत नहीं बोलता हूं, मैं रामायण की बातों पर अगर चर्चा की जाए बहस की जाए तो मैंने रामायण की बात कही है, अपने घर से कोई बात नहीं कही है। मैं उन लोगों को इस पब्लिक के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं,
झूठ बोलने का अगर किसी को शौक है तो झूठ बोले, लेकिन मैं केवल वो बात कहना पसंद करता हूँ जिस बात को विज्ञान भी माने, जिस बात के 100% प्रमाण हो। कितने कितने आप देखिए, एक तो बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हो गई। सुबोध साक्षी नाम का एक कलाकार है, उसने मालूम क्या किया, अपनी पत्नी का फोटो लगा दिया यूट्यूब पे और ये कहा देखिए ये मनोज ब्लास्टर की पत्नी है। लोग अपनी पत्नियां मनोज ब्लास्टर की पत्नियां बताने लगे, लोग दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग को कह रहे हैं ये मनोज ब्लास्टर की पत्नी हमसे फोन पे बात कर रही है। मैं कहता हूं उन कमीनों के लिए, अगर वो मेरी पत्नी है तो उसकी आवाज मेरी पत्नी से मैच करा दे, अगर वो मेरी पत्नी है तो जो फोटो तूने यूट्यूब पे लगाया है वो मेरी पत्नी से मिला दे। इतने इतने कमीने इस देश में रहते हैं, लेकिन लोग उनका बराबर सहयोग कर रहे हैं। बोले कि इसने राम को काल्पनिक कैसे कहा है, इसका जवाब दीजिए, लेकिन इस नालायक ने मेरी पत्नी को झूठा मूठा अपमानित करना चाहा है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, किसी की औकात नहीं है बोलने की। जो आज आपत्ति मेरे ऊपर है, जो जिस दिन उनके ऊपर आए, जिस दिन उनकी बहन बेटियों को अपमानित करेगा उस दिन उनको समझ में आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कुछ लोग यहां से भी सोच रहे होंगे ऐसा करें कि जल्दी से जल्दी चंदन दीवाना को बताओ, क्योंकि चंदन दीवाना उसने अपने चैनल पे एक वीडियो मेरा वायरल किया थी, जिस स्टूडियो के अंदर 10 साल से मैं गा रहा था, उसने मेरे साथ में गद्दारी कर दी। अब आप एक बात बताइए, उनको ये याद नहीं रहा कि तुम चुनाव तभी लड़ पाते हो जब SC सीट आती है, ये बात भूल गए। और चंदन दीवाना पंडित है, वो इतना बड़ा लखपति बनता है, वो आज 2 साल हो गए, वो चंदन दीवाना जो बहुत बड़ा लखपति बनता है 2 साल से राठौर के मकान में कमरे में रह रहा है, उसको अपनी औकात याद नहीं। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं केवल उनको ये अवगत करा देना चाहता हूं। तुमने मुझे ये कहा है कि ब्लास्टर भाग कहां रहे हो, मैं आज तक अभी भागा नहीं हूं, और तुम जैसे से भागूंगा क्या, तुम खुद दूसरे देश से भगाए हुए हो, तुम दूसरे देश से भगाए हुए और भारत में कह रहे हो हम भाग रहे हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, न कभी भागे हैं और न कोई हमें भगाने वाला आज तक पैदा हुआ। अगर आपत्ति है तो तुमको है, डर है तो तुमको है, कहीं राम की पोल न खुल जाए, कहीं हमारी पोल न खुल जाए, अगर पोल खुल गई तो हम कमाएंगे खाएंगे कैसे, हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए इस मनोज ब्लास्टर को यहीं पर कवर किया जाए जिससे ये आगे कुछ बोल नहीं पाए। मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे धर्म को धिक्कार है ऐसी। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे जो दुख है हमारे ऊपर नहीं है, ये हर व्यक्ति के ऊपर है। जब से इस भारत में मनुवादियों का आक्रमण हुआ, ये एक आक्रमण है, जब पत्रा में जब किसी का नामकरण संस्कार होता है तो पंडित जी को बुलाइए, कोई विवाह होता है तो पंडित जी को बुलाइए और पंडित जी को दक्षिणा दीजिए, और दक्षिणा में जब मंत्र बोला जाता है तो मालूम है किन के नाम से ये ठगते हैं, जम्बू दीपम भरत खंडम आर्यावर्तांतर्गत से बुद्धा अवतारे कलयुगे प्रथम चंदे। संकल्प लेते हैं तो भगवान बुद्ध को ही याद करते हैं, बुद्धा अवतारे कलयुगे प्रथम चरणे मासा नाम मासे अमुक नाम ने अमुक। भगवान बुद्ध के नाम से लूटने वालों, और आज तुम हमें चैलेंज करते हो, जाइए मैं तुम्हें ललकार रहा हूं। ऐसी धरती पर ऐसे वंश में मैंने जन्म लिया है, पूरा संसार इस वंश को सम्मान देता है, स्वयं प्रधानमंत्री भी जिसका सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति के दरबार में भी जिन भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है कोई इस बात को नकार नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 शब्द भगवान के चरणों में समर्पित होते हुए और विराम देता हूं।